डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस आज पूरे देश में मनाया गया। वहीं लाडवा विधानसभा के गांव किशनपुरा में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर लोगों ने पुष्प अर्पित कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित डॉक्टर पवन सैनी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान के बारे में उपस्थित जन को संबोधित करते हुए कहा कि जनसंघ के संस्थापक रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सच्चे अर्थों में मानवता के उपासक और सिद्धांतों के पक्के इंसान थे। आज भारतीय जनसंघ के जो संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आज उनका बलिदान दिवस है। इसलिए 23 जून को आज पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर बूथ स्तर पर, गांव स्तर पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस मना रहे हैं। इस कड़ी में लाडवा विधानसभा के सभी जितने भी गांव हैं, हर गांव के अंदर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस हमारे कार्यकर्ता मना रहे हैं। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान के कारण आज जम्मू कश्मीर में हम बिना वीजा परमिट के हम लोग जा सकते हैं, उनके बलिदान के कारण जा सकते हैं। और एक ऐसा शख्स डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो देश की आजादी की पहली सरकार के अंदर उद्योग मंत्री थे, उन्होंने ये कह करके, क्योंकि जम्मू कश्मीर उस समय उस रियासत के अंदर अलग से सदर रियासत था, अलग से वजीर आजम था, अलग से वहां पर झंडा था, तो उन्होंने नेहरू के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया ये कह करके, एक ही देश में दो विधान, एक ही देश में दो प्रधान, एक ही देश में दो निशान, नहीं चलेंगे ये कहकर उस मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया और भारत जनसंघ की जो है ना उसकी स्थापना करके राजनीतिक पार्टी की, और कलकत्ता से लेकर के जम्मू कश्मीर तक वो जो है ना वहाँ पर गए और वहाँ की सरकार ने, शेख अब्दुल्ला की सरकार ने उनको गिरफ्तार कर लिया, उनको नज़रबंद किया और किसके कारण से बीमार हो गए, उनकी मृत्यु हुई जिसका आज तक नहीं पता चला। लेकिन मैं कह सकता हूँ उनके बलिदान को आज भुलाया नहीं जा सकता। इसलिए हम सब लोग बोलते हैं, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है। जो आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है, हमारे विधायक डॉक्टर पवन सैनी जी ने 140 हमारे बूथ हैं हलके में, वहाँ पे हर एक बूथ पर इनका बलिदान दिवस एक उत्साह के रूप में मनाया जा रहा है। वहाँ पर एक खुशी की लहर है, जैसे ये बलिदान इन्होंने दिया है कश्मीर पे। कश्मीर में इन्होंने तिरंगा वहाँ पे कहा था कि एक राष्ट्र है तो एक ही झंडा होना चाहिए, एक ही विचार होने चाहिए। तो आज जो झंडा लहराया जा रहा है वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के, जो उन्होंने अपना बलिदान दिया था, उनकी आज वहाँ पे एक खुशी की लहर होगी कि हर एक उनका जो बलिदान दिवस है वो मना रहा है। हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने समझौता जो अभी अभी कश्मीर में तोड़ा है, भले ही तोड़ दिया लेकिन जो हमारी लड़ाई है कश्मीर की वो निरंतर चलती रहेगी और हम उसमें विजयी घोषित होंगे। हिंद एक्सप्रेस के लिए कुरुक्षेत्र से भाई साबरी की रिपोर्ट।